आखिर 1500 साल पुराना मंदिर 1955 में बने बफ बोर्ड को किसने दान किया, और बचपन से आप और आपके पूर्वज जिस प्रॉपर्टी पर रहते आ रहे हैं वह बफ बोर्ड की कैसे हो गई? आखिर ये बफ बोर्ड है क्या और इसको इतनी ताकत कहां से मिली? इन सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बफ बोर्ड क्या है यह जानने से पहले हम ये जान लेते हैं बफ का मतलब क्या होता है। तो बफ का मतलब होता है वह वस्तु जो खुदा के नाम पर दान की जाती है बफ की हो जाती है, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान एवं मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दान की गई प्रॉपर्टी। बफ बोर्ड की शुरुआत 8 अप्रैल 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच हुए समझौते के साथ 1954 में बफ अधिनियम के साथ हुई थी, जो 1955 से प्रभावी हुआ, जिसके केंद्रीय बफ बोर्ड का गठन 1964 में किया गया। बफ बोर्ड में 1995 एवं 2013 में ऐसे संशोधन किए गए जो इसे इसकी मनमानी करने की पूरी आजादी देते हैं, जिसे हम अगले अध्याय में देखते हैं। 1964 में गठित किए गए केंद्रीय वक्फ काउंसिल में अध्यक्ष सहित कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें वकील सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मुस्लिम विद्वान ही होते हैं। वक्फ बोर्ड के अधिनियम एक्ट में 1995 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को काफी शक्तिशाली बना दिया। 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि वक्फ प्रॉपर्टी किसकी है ये वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का सर्वे करने वाला व्यक्ति ही तय करेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वक्फ बोर्ड में एक सर्वे करने वाला व्यक्ति होता है जो ये तय करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी बफ बोर्ड की है और कौन सी प्रॉपर्टी बफ बोर्ड की नहीं है। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बफ के नाम कर दे, दूसरा कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अगर आपने भाईचारे के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी इनको इस्तेमाल करने के लिए दे दी तो वह बफ बोर्ड की हो जाएगी। तीसरा, अगर बफ बोर्ड की सर्वे में पाया जाता है कि प्रॉपर्टी बफ बोर्ड की है तो बफ बोर्ड अधिनियम एक्ट 13 के संशोधन के अनुसार आप इसकी अपील लोअर कोर्ट में भी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बफ बोर्ड की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर बफ बोर्ड की चाटुकार लोग बैठे होते हैं। अगर आप बफ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस हार जाते हैं तो बफ अधिनियम एक्ट 85 के अनुसार आप इसकी अपील हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते, यानी कि आपकी जमीन सीधे सीधे बफ बोर्ड की ही हो जाती है। हालांकि 1995 का कानून जरूर कहता है कि बफ बोर्ड किसी की निजी संपत्ति पर दावा नहीं ठोक सकता है, लेकिन आप खुद विचार करके देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी को बफ बोर्ड नोटिस भेज देता है तो सर्वे करने वाला व्यक्ति तय कर ही देगा कि प्रॉपर्टी बफ बोर्ड की है। भाई ये सब देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आ रही है कि साला हमारी प्रॉपर्टी और हमको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी प्रॉपर्टी है, ये तो साला वही कहावत हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो चलिए बफ बोर्ड के थोड़े कारनामों को भी देख लें। हमारे देश में किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले डिफेंस सिस्टम के पास लगभग 18 लाख एकड़ से अधिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद में रेलवे के पास 12 लाख एकड़ से अधिक प्रॉपर्टी है। तीसरे नंबर पर बफ बोर्ड के पास सबसे अधिक प्रॉपर्टी लगभग 8 लाख एकड़ से अधिक प्रॉपर्टी है। इसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई ये तो जांच का विषय है, लेकिन तमिलनाडु बफ बोर्ड ने तिरुचू जिले के तिरुचेंद्रई गांव के 1500 साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर पर अपना मालिकाना हक जताया। गांव के इस मंदिर के आसपास लगभग 369 एकड़ जमीन है, और तमिलनाडु बफ बोर्ड के इस दावे की बात तब सामने आई जब उसी गांव के स्थानीय किसान राजगोपाल ने अपनी 1.2 एकड़ जमीन किसी दूसरे किसान को बेचनी चाही, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने राजगोपाल को बताया कि जमीन उसकी नहीं है, ये जमीन तमिलनाडु बफ बोर्ड की है और उसे अपनी जमीन बेचने के लिए चेन्नई में स्थित बफ बोर्ड के ऑफिस से एनओसी लाने की आवश्यकता होगी। तब राजगोपाल ने उनसे कहा कि उसने ये जमीन खुद 1992 में खरीदी है, तो उसे तमिलनाडु बफ बोर्ड से एनओसी लेने की क्या आवश्यकता। तब रजिस्ट्रार ने उससे कहा कि कुछ समय पहले तमिलनाडु बफ बोर्ड की तरफ से दस्तावेज विभाग को 250 पेज का एक लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि तिरुचेंद्रई गांव की कोई भी जमीन उनकी एनओसी के साथ ही खरीदी एवं बेची जाएगी। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि गांव के हर पुरुष और महिला के नाम पर जमीन है। 51,000 केसेस में पाया गया है कि पीसफुली रह रहे लोगों में बफ वोट अराजकता फैलाने का काम करता है। 1955 से 2009 तक इतने सारे सालों में बफ वोट की संपत्ति केवल 4 लाख एकड़ थी, और 2009 से अब तक केवल 13 सालों में बफ वोट की संपत्ति दोगुने से अधिक यानी 8 लाख एकड़ से अधिक हो गई। ये सब देखने के बाद मुझे एक अरब व्यक्ति और ऊंट की कहानी याद आ रही है। दोनों रेगिस्तान से गुजरते होते हैं, रात में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो अरब व्यक्ति तंबू के अंदर बैठ जाता है और ऊंट तंबू के बाहर। कुछ समय बाद ऊंट को बहुत अधिक ठंड लगती है, तो वह अरब व्यक्ति से कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अपना सिर तंबू के अंदर रख लेने दीजिए। अरब व्यक्ति मान जाता है। कुछ समय बाद ऊंट को फिर से ठंड लगती है, वह अरब व्यक्ति से कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अपने चारों पैर तंबू के अंदर रख लेने दीजिए। अरब व्यक्ति फिर से मान जाता है। इसके बाद में ऊंट पूरी तरह से तंबू के अंदर बैठ जाता है और अरब व्यक्ति को लात मार के बाहर भगा देता है। कुछ यही हाल हमारे देश के हिंदुओं का है, साला अपने ही तंबू में रहने के लिए तरस रहे हैं। वैसे इस बफ बोर्ड का क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।